रेडी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। दोस्तों आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेशन, जहां पे हम लोग BHU BCom MCom का एंट्रेंस का प्रिपरेशन कराते हैं। साथ में आपको CA, CS, CMA और नेट ZARP का भी प्रिपरेशन कराया जाता है, और साथ में अलग यूनिवर्सिटी का भी प्रिपरेशन हम लोग कराते हैं। अभी फिलहाल में हम लोग BHU पे फोकस्ड है, जहां पे हम लोग BHU BCom MCom के कोर्स हम लोग के लॉन्च हो गए हैं। कोर्स आपको ज्वाइन करने के लिए कॉमर्स नेशन ऐप को डाउनलोड करना होगा और वहां पे जाके एक्सेस कर सकते हैं, और जो नीचे नंबर दिए हैं उससे कॉन्टेक्ट करके आप सारे प्रॉब्लम को डाउट को अपने को क्लियर कर लेंगे। आज हम एक ऐसे शख्स से मुलाकात कराने जा रहे हैं जो 2020 में कोविड के समय में BHU BCom का तैयारी कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, और उन्होंने YouTube चैनल पे ऐसे BHU BCom एंट्रेंस दिखा और हम लोगों का भी चैनल दिखा, और उन्होंने बहुत सारे चैनल पे तो वीडियो देखा है, उनको अच्छा लगा, साथ में हम लोगों का वीडियो भी उनको अच्छा लगा, और वो फिर उसके बाद सारी वीडियो हम लोगों को देखें और इनका BHU में एडमिशन हो गया। तो सबसे पहले तो हरवंश, आपको कांग्रेचुलेशन कि आपका BHU में एडमिशन हो गया। हरवंश को मैं बता दूं इनका इंट्रोडक्शन, ये बरेली से हैं, जो कि बरेली की बर्फी और जो आपकी झुमका घेरा बरेली के बाज़ार में वहाँ से हैं, और ये पहली बार बनारस आए हुए हैं। इनको बहुत ही अच्छा लगा बनारस, और भी बनारस में आके महादेव की नगरी में आके महादेव का दर्शन होगा, ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे पहले आपको मम्मी पापा को कांग्रेचुलेशन, और आपको कांग्रेचुलेशन कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि एशिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी माना जाता है एरिया के हिसाब से, इसमें आपका एडमिशन हो गया है। और तो आप अपना एक्सप्रेशन, आप कैसे खुश हैं या फिर क्या है, आपको एक बार पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे, फिर आपको पहली बार बनारस में आके कैसा लगा। हेलो, हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम हरवंश सिंह है और मैं बरेली से आया हूँ। इससे पहले मैं नवोदय विद्यालय में पढ़ता था। जब मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो मैं BHU के लिए मैंने प्रिपरेशन की, और ऐसे ही ढूंढते हुए कि किस तरह से प्रिपरेशन करूँ, कोविड के टाइम में कुछ समय नहीं आ रहा था, तो मुझे कॉमर्स नेशन चैनल दिखा। इसमें मैंने रेगुलर वीडियो देखी और सर से मैंने टेस्ट सीरीज परचेज की थी। इस टेस्ट सीरीज में इतने कम प्राइस में और सर ने इतना अच्छा कंटेंट दिया, इसमें वीडियो थे, नोट्स थे और लाइव टेस्ट दिए थे, जिसमें मैंने 14-15 से ज़्यादा टेस्ट दिए थे, बिल्कुल इस तरह की जैसे BHU जो BCom का एंट्रेंस था सेम उसी की तरह। और सर ने जो मुझे कंटेंट दिया था उससे बहुत ही फ़ायदा हुआ मेरा, सेम वहीं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद हरवंश, और आपको मैं आगे फ्यूचर की भी शुभकामनाएं देता हूं। और अब फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम तो लगभग अभी 10 तारीख को ख़त्म हो जाए, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करें, और आगे आप लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं हमारी कॉमर्स नेशन की टीम आपको शुभकामनाएं देती है। और कुछ आपसे क्वेश्चन है कि कॉमर्स नेशन की जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है उसमें आपको सबसे बेस्ट, जैसे हम लोग PDF नोट देते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं और वीडियो लेक्चर देते हैं, टीचर को पढ़ाने का क्या तरीका होता है, उसमें आपको क्या सबसे अच्छा क्रैक किया कि आपने कॉमर्स नेशन को ही ज्वाइन किया, बिकॉज बहुत सारे चैनल भी हैं जो BCom MCom का एंट्रेंस की तैयारी करवाते हैं। क्योंकि सर कॉमर्स नेशन टीम से जो मुझे मिला, सबसे पहले वीडियोज़ थी, PDF थे, नोट थे, ये सब सर मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगे, और सर डायरेक्ट इजी थे, मतलब और जो रहते हैं बंडल काफ़ी ज़्यादा दे देते हैं, ये करो वो करो, लेकिन सर जो आपने मुझे दिया था वो एकदम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही चीज़ क्लियर थी और वही चीज़ आई थी, मतलब ज़्यादा उधर उधर का नहीं दिया था, वही चीज़ दी थी। अच्छा, ये तो रहा कि कॉमर्स नेशन ने आपको हेल्प किया, आपने पढ़ा होकर आप कैसे अपना खुद प्रिपरेशन किए, जैसे होता नहीं, ये तो मान लीजिए कि हो गया कि हमने आपको हेल्प कराया उसकी वजह से किया, आप खुद पढ़ेंगे तभी तो हुआ होगा एंट्रेंस एग्जाम में, तो आप कैसे, कभी कभी डिमोटिवेशन आता होगा कि हमारा BHU होगा कि नहीं होगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आया होगा कोविड के समय, क्योंकि उस समय एग्जाम भी डिले हो रहे थे, तो थोड़ा पढ़ने का भी मन नहीं करता है, तो आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया और कितने घंटे पढ़ाई की, क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि कितने घंटे आप पढ़ाई किए, कैसे पढ़ते थे आप, लिखते थे चीज़ें कि नहीं लिखते थे, थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए मुझे। सर मैंने अपने टाइम टेबल के हिसाब से एक शेड्यूल बनाया था, इसमें कि मैंने 6 से 8 रखा, ये मैंने 6 से 8 रखा था, फिर आधे घंटे का ब्रेक दिया था जिसमें कि नाश्ता नहाना धोना, उसके बाद 10 से 12, फिर 2 से 4 और 4 से 6, उसके बाद 8 से 10 तक का मैंने रात में रखा था। करने मतलब कम से कम आप 8 से 10 घंटे पढ़ाई करते थे। जी हाँ, और उसमें जो कभी कभी मुझे लगता था कि डीमोटिवेट होता था, तो मैं जो वीडियो के YouTube पे BHU के जो वीडियो पड़े हैं इससे मोटिवेट होता मैं। हम लोग भी कुछ मोटिवेशनल स्पीच थी, जो आपकी स्पीच थी उसको देख के, और जो BHU के नक टेम्पल हैं और जो अच्छे अच्छे सीन थे, सीनरी थी, उसको देख के मैं मोटिवेट होता, और मुझे लगता कि मैं अब यहाँ जाना है सर, मतलब ठान लिया था कि अब जाना ही है, तो उसके लिए सर मैंने पढ़ा और डेली जो छोटे 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 टास्क थे उनको कंप्लीट किया सर। और प्रीवियस ईयर के पेपर आपने सॉल्व किए थे? जी मैंने 10 साल तक के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व किए थे,
और जो सर आपने क्वेश्चन बंडल दिए थे और जो टेस्ट सीरीज दी थी उसी के वजह से सर पूरा क्रैक हो गया। अब जो नए बच्चे हैं जो कॉमर्स निशान को ज्वाइन करने में थोड़ा सा उनको लग रहा है ज्वाइन करें कि ना करें, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए सर अगर वो सोच रहे हैं कि कॉमर्स निशान ज्वाइन करें तो इसमें सोचे नहीं, सीधे ज्वाइन कर ही लें सर, क्योंकि यहाँ पे और जो यूट्यूब चैनल हैं और जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उन सबसे बेस्ट है, क्योंकि और जो लोग दे रहे हैं प्राइस भी ज़्यादा ले रहे हैं, इतनी फैसिलिटी भी नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे सर कम प्राइस में जो PDF नोट्स वीडियोस और लेक्चर हैं और अपने जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत ही कमाल की, और उसमें से जो मैंने पढ़ा था सर सेम वही आया था, PBSA के पेपर और जो आपने MCQ बंडल दिए थे, क्वेश्चन पेपर दिए थे, PDF सब उसी में से आए थे, और इसके द्वारा आप सबके मदद से और जो मैंने किया उससे मेरा सिलेक्शन हो गया था। धन्यवाद। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हरवंश आपको, आगे लाइफ के लिए आप सक्सेस हो, हमारी कॉमर्स निशान की पूरी टीम की ओर से आपको शुभकामनाएं, और बनारस आप पहली बार आए हैं इसके लिए भी तो आप हमारे अतिथि हैं तरीके से, तो हम स्वागत करते हैं और आगे आप लाइफ में, कल आपका शायद ट्रेन भी है तो उसके लिए बेस्ट ऑफ जर्नी। थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कोई भी प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।